हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट राजस्थान की फेमस हरे प्याज की कढ़ी की रेसिपी, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया है। इसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप राइस के साथ, चपाती के साथ, बाजरे की रोटी के साथ बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने कैसे बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने किस तरह इसको बना के रेडी किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये हरे प्याज लिया है, इसको अच्छे से हमने खराब पत्ते छांट लिए हैं और इसको अच्छे से साफ पानी से धो के रख लिया है। तो फ्रेंड्स, बनाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको कट करना बताती हूँ। तो जो व्हाइट वाला हिस्सा है प्याज का, इसको हम अलग कट करेंगे, और जो ग्रीन का जो पत्ते पत्ते रह जाएंगे उनको हम अलग कट करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यही करना है। तो मैं सारा हरे प्याज आपको कट करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि सारे हरे प्याज कट करके दिखाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये देखिए, हरे पत्ते अलग कर लेंगे, व्हाइट वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। तो ऐसे ही सारे हमने ये कट कर लिया है। तो अभी हम घोल बनाते हैं कढ़ी के लिए। कैसे घोल बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दही लिया, आपको जितना कढ़ी बनाना है उतना आप दही ले सकते हो। तो मैंने ये आधा बाउल का दही ले लिया है। अभी हम इसको थोड़ा फेंट लेंगे। इसकी जगह आप छाछ भी ले सकते हो, लेकिन दही लिया तो इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, छाछ में आपको पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है। तो देखिए, इसमें हमने पानी डाल दिया है, इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है। ये हमारे कढ़ी के लिए रेडी हो चुका है। तो इसमें हम क्या डालना, सबसे पहले हम 3 छोटे चम्मच इसमें बेसन का डालेंगे। पेस्ट हमें कैसा होना चाहिए मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो 3 छोटे चम्मच हमने इसमें बेसन का डाल दिया है। अभी हम मसाला ऐड करेंगे। तो हमें मसाले में क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो 1 छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है, 1/2 छोटा चम्मच हमें इसमें धनिया पाउडर लिया है। मसाला आप इस तरह ज़रूर डालें, तभी आपकी ये कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। 1/2 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि कढ़ी सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। 1/2 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, और 1 छोटा चम्मच हम लहसुन का पेस्ट लिया है, दरदरा कुटा हुआ। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ी सभी बनाते हैं, कौन सा मसाला कब अलग अलग तरीके से डालते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। तो सारा मसाला और बेसन हमने इसमें दही में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये देखिए, एकदम पतला ये हमारा घोल बन के रेडी हुआ है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है आपको। तो इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो कढ़ाई में बनाएंगे। तो ये देखिए, 1/2 बड़ा चम्मच हमने सरसों का ऑयल लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ऑयल हमें इसलिए कम लिया है कि बाद में हम तड़के में यूज़ करेंगे, तो ऑयल इस टाइम आपको कम ही लेना है। तो ऑयल अच्छे से गर्म होने देंगे, धुआं निकलने लगा है ऑयल में। तो इसमें हम ये 1/2 छोटा चम्मच मेथी का डाल देंगे। मेथी से फ्रेश बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मेथी ज़रूर डालें। इस टाइम आपको जीरा नहीं डालना है, सिर्फ मेथी डालनी है। और ये जो हमने वाइट वाला हिस्सा जो कट किया था, वो इसमें डाल देंगे तड़के में। वो थोड़ा हम बचा के रखेंगे, इसका हम बाद में यूज़ करना, कैसे यूज़ करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ, अगर इस तरीके से आपने कढ़ी बना लिया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये 1/2 छोटा चम्मच हमने हींग डाल दिया है, इससे अच्छी बनती है कढ़ी। और ये 2 हरी मिर्च मैंने कट करके डाल दी है, 2 हिस्सों में मैंने कट किया है, और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये देखिए, अच्छे से हमें गैस को मैंने हाई फ्लेम में कर रखा है, और अभी ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, कलर चेंज हो गया है इनका। तो अभी जो हमने कढ़ी का घोल बना के रखा था, वो इसमें डाल देंगे। डालते समय फ्रेंड्स, आपको चम्मच को ऐसे लगातार चलाते रहना है, तब तक चलाना है फ्रेंड्स जब तक ये घोल अच्छे से गर्म ना हो जाए। गर्म होने के बाद ही आपको चम्मच चलाना छोड़ना, नहीं तो ये दही हमारा फट जाएगा। तो ऐसे लगातार इसको चलाते रहना। थोड़ा इसमें हम पानी डाल देंगे, ये धो के पतीला इसमें पानी डाल दिया है, और इसको हम ऐसे लगातार चलाते रहेंगे, जब तक चलाना है कि
कि आप देख सकते हो कि हमारा आइडिया लगा सकते हो कि गर्म हो चुका, तब आपको इसको चलाना छोड़ देना है। लेकिन इसको पकाएंगे हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि कढ़ी को जितना आप पकाते हो उतनी ही टेस्टी बनती है। तो एक बार हम गर्म ना हो तब तक इसको चला देना, फिर इसको छोड़ देंगे, बीच बीच में इसको बाद में हम चलाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा कढ़ी गर्म होने लगी है, तो अभी हम इसको चलाना छोड़ देंगे। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये गर्म हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा चलाएंगे और चला के हम इसको छोड़ देंगे। अभी आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये मिश्रण पूरा दही गर्म हो चुका है, तो अभी फटने का डर नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उबाल आने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर से हमें थोड़ा चला देना है। तो ये देखिए उबाल आने के बाद कितना कलर चेंज हो गया, ये देखिए आप, और अच्छे से इसमें उबाल आ गए हैं। तो दो उबाल आ गए हैं इसमें। दो उबाल आने के बाद आपको इसमें जो हरे प्याज है वो इसमें डाल देंगे, जो पत्ते थे वो इसमें हम डाल देंगे। वाइट वाला ऐसा हमने पहले डाल दिया था, थोड़ा ऐसा रखा, वो बाद में यूज करेंगे। जो हरे वाले पत्ते हैं वो इसमें हमने डाल दिया है, थोड़ा हमने रख लिया, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो ये देखिए उबाल आने के बाद आपको हरे प्याज इसमें डालना है, पहले नहीं डालना है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसको हम थोड़ा चला के छोड़ देंगे, बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है जिससे नीचे लगे ना, और इसको अच्छे से पकाना है जब तक ये कढ़ी थोड़ा कम ना हो जाए, तब तक आपको चलाते रहना है, बीच बीच में आपको चलाते रहना, सॉरी ऐसे नहीं चलाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये देखिए जैसे जैसे इसमें उबाल आ रहा है वैसे वैसे हम इसको चला देंगे, जिससे ये ऊपर ये उफने ना निकले ना, क्योंकि कढ़ी जितना हम चलाएंगे ये होती है तो इसको ये उफनने का डर रहता है। तो बीच बीच में आपको चलाते रहना है, या आपको गैस को मीडियम लो फ्लेम कर देना है। तो ये देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, कढ़ी भी कम हो गई है, देख पा रहे होंगे इसका कढ़ाई में जितना लगा है इतना कम हुई है। तो अच्छे से हमने इसको 10 मिनट के करीब पका लिया है, ये अच्छे से पक चुकी है। तो ये कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। तो इसको हम एक साइड छोड़ देते हैं, गैस को हम बंद कर देंगे, ये हमारा रेडी हो गया है। तो अभी हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का हमें कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। तो आप इसकी जगह सरसों का ऑयल भी ले सकते हो, मैंने यहाँ 2 छोटे चम्मच देसी घी का लिया, इससे बहुत ही मज़ेदार ये तड़का लगेगा। आप अगर घी नहीं है तो आप सरसों का ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें हम जीरा डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच, ऑयल गर्म होने के बाद जीरा डालना, जीरा का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम ये जो हमने व्हाइट वाले प्याज रखे थे बचा के वो इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा चला देंगे। साथ में हम इसमें सूखी हरी मिर्च डालेंगे साबुत, वो मैंने कट करके रखी थी, 2-3 इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए इसको भी हमने चला दिया है, हरी मिर्च, ये सॉरी लाल मिर्च भी फूल जाएगी, तब तक हम इसको चलाते रहना। तो ये देखिए अच्छे से फूल गई है, अच्छे से फ्राई हो गया। तो इसे हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती, इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे इसको हम कढ़ी में डाल देंगे, गैस हमें बंद ही रखना, अभी ऑन नहीं करना है। ये तड़का इसमें हम डाल देंगे। तो इस तड़के से अगर आप बनाओगे कढ़ी तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इस तरीके से ज़रूर तड़का लगाइए और ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसमें तड़का डाल दिया है, अभी हम जो बचा के हरे प्याज रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे, गार्निश के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लगेगी। और अभी तड़के को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है, पूरे घर में इसकी महक फैल रही है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कढ़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर ये कढ़ी की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।